समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब है। रविवार रात अचानक मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को बीमार मुलायम सिंह यादव का हाल जानने पहुंचे। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। वहीं शिवपाल सिंह यादव भी मुलाकात का हिस्सा रहे। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने बयान जारी कर प्रदेश बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की संवेदनहीनता की वजह से राज्य में नौजवानों का भविष्य खतरे में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश के मुताबिक राज्य में नौकरियों में भर्ती बंद हो गई है। साजिश के तहत नौकरियों को विज्ञापन देकर पेपर लीक के बहाने परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। बीजेपी शासन में हजारों नौजवानों हताशा और कुंठा में जी रहे हैं और कई छात्र अपने जीवन से परेशान होकर खुदकुशी का रास्ता अपना रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि नौजवानों को अगर कभी अपने हक की मांग की तो उन पर पुलिस की लाठियां पड़ने लगती हैं। अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में पुलिस भर्ती की मांग कर रहे नौजवानों पर हुए लाठी चार्ज का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी उत्पीड़न से परेशान 10 नौजवानों ने जहर खा लिया। उन्होंने अपनी सरकार की कामयाबी गिनाते हुए कहा कि हमारे शासन काल में हजारों भर्तियां हुई थी। समाजवादी सरकार में शिक्षा मंत्री, उर्द मोहल्लिमो, आशा बंधुओं, रसोईया आदि के अलावा आंगनबाड़ी, पुलिस, पीएससी में भारी संख्या में भर्तियां हुई थी। उन्होंने कहा कि युवाओं पर लाठी चलाना लोकतंत्र को आहत करने वाली कार्रवाई है। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने मुलायम को कुंभ की पुस्तिका भेंट की। बता दें कि मुलायम सिंह की तबीयत खराब होने के बाद लखनऊ के ही लोहिया इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उनका ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा हो गया था, जिसके बाद जरूरी टेस्ट के लिए उन्हें भर्ती करना पड़ा। बाद में स्थिति सामान्य होने पर उन्हें देर रात लगभग 2 बजे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान नेताजी के छोटे भाई और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।